बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। आज की वीडियो जो चूँकि 10th के पेपर नज़दीक हैं, तो हम 10th के पेपर्स के गेस्ट पेपर लेके हाज़िर हैं, यानी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो जो चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन पे वीडियोस बनाएंगे। और उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए यकसां वीडियो है, आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा और आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट लेते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स का जो इजहार है वो लाजमी कीजिएगा। सो चैप्टर नंबर 1 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वो हैं, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिफाइन रेस्टोरिंग फोर्स, प्रूव वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, डिफाइन डिफ्रेक्शन ऑफ वेव्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। याद रखिएगा कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज और चैप्टर के अंदर से यकसां हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आपकी एक्सरसाइज से हो और ज़रूरी ये भी नहीं कि ये सिर्फ आपकी एक्सरसाइज से हो। इसलिए आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना है। स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके, और लिख के फिर इनको आप चैप्टर से ढूंढें और इनको याद कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 11 है, इसमें लाउडनेस की डेफिनेशन है, पिच साउंड का चैप्टर है ना, जो इस वजह से पिच एंड क्वालिटी की डेफिनेशन है, इंस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इसकी यूनिट की डेफिनेशन है, इको की डेफिनेशन है, डिफाइन इको, डिफाइन नॉइस एंड म्यूजिकल साउंड, व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड एंड सोनर, यूज़ अल्ट्रासाउंड, यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ साउंड पोल्यूशंस। सो चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं जी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, मिरर्स, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर, पावर ऑफ लेंजेज, डिफाइन रेजोल्यूशन पावर एंड यूजेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिफाइन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, डिफाइन स्नेल्स लॉ, डिफाइन लेंस एंड इट्स यूजेज। अब आ गया जी हमारा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में आपका डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिफाइन कूलम्स लॉ, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफाइन कैपेसिटेंस एंड फेरेड, यूज़ ऑफ कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर, हैजर्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये तो थे चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। नाउ चैप्टर नंबर 14 पे आते हैं, डिफाइन करंट, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिफाइन जूल्स लॉ, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स यूनिट, डिफाइन किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर विल इक्वल टू 3.5 mJ, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज फ्यूजेज एंड सर्किट ब्रेकर्स, अर्थ वायर एंड लायर वायर। आगे जी डिफाइन कन्वेंशनल करंट, डिफाइन रेजिस्टेंस। ये याद रखिएगा, मैं सिर्फ आपको फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि इन इन चैप्टर से ये शॉर्ट क्वेश्चन इंतहा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। नाउ चैप्टर नंबर 15, स्ट्रेट राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेट लेंजेस लॉ। आगे आगे जी डिफरेंट, डिफाइन एंड डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ एसी एंड डीसी मोटर, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट इज सेट अप, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइडल ट्रांसफार्मर। इसके बाद है जी आगे डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिफाइन सॉलिनाइड। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 16, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफाइन थर्मियोनिक्स इमिशन, डिफाइन सी आर ओ एंड राइट ऑन दिस पार्ट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग क्वांटिटीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल एंड नॉन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ए ए डी सी एंड डी ए सी, यूजेज ऑफ सी आर ओ
नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट ऑपरेशंस, और गेट ऑपरेशंस एंड ट्रूथ टेबल्स. नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 16, डिफरेंशिएट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फॉक्स, फैक्स मशीन, सेल फोन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड यूजेज, रैम, रोम, प्राइमरी मेमरी एंड सेकेंडरी मेमरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क. डिफाइन डाटा मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग, वट आर ब्राउजर्स, राइट द एडवांटेजेस ऑफ ई मेल एंड ई कॉमर्स. याद रखिएगा मैं आपको ज़्यादातर डेफिनेशंस बता रहा हूँ. सो डेफिनेशंस जो बता रहा हूँ इन पर बहुत फोकस करना है आप लोगों ने. एटॉमिक नंबर, चैप्टर नंबर 18 की तरफ आते हैं. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, डिफाइन आइसोटोप्स, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, बैकग्राउंड एंड कॉस्मिक रेडिएशंस. इसके बाद है जी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन. डिफाइन आयनाइजेशन एंड पेनिट्रेटिंग पावर. हाफ लाइफ, अनस्टेबल एंड स्टेबल एलिमेंट्स. टू यूजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. डिफाइन फ्यूजन एंड फिशन. डिस्क्राइब द हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस. लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं. चैप्टर नंबर 10 में, यानी जो पहला चैप्टर था जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 10 की तरफ आते हैं. तो बॉल एंड बाउल सिस्टम पहला लॉन्ग क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम दूसरा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, न्यूमेरिकल नंबर पहला, दूसरा, चौथा, नौवां, दसवां, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2. ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपका पेपर आएगा. यूनिट नंबर 2 यानी कि यूनिट नंबर 11 की तरफ आते हैं. यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, पिच एंड क्वालिटी, मीडियम फॉर प्रोपिकेशन ऑफ साउंड. एग्जाम्पल नंबर 3, मेरिकल नंबर 2, 4, 2, 4, 6 एंड 9. यूनिट नंबर 9, 12, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, टोटल इंटरनल फ्रिक्शन एंड कंडीशन. न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 4, 9, 10 और ऑल एग्जाम्पल. इस चैप्टर की सारी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंस हैं, पेपर में आ सकती हैं. चैप्टर नंबर आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 13 पे. कूलम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. न्यूमेरिकल नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 VIP हैं सब और ऑल एग्जांपल्स. बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की. शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ. लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ओम्स लॉ वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ओम्स लॉ दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका जी. सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जोल्स लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड रेजिस्टेंस. न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 और 4, आगे 5, 6, 8, 10 और एग्जांपल नंबर 3 एंड 6. यूनिट नंबर 16 की तरफ आते हैं. नोट, राइट डाउन द नोट ऑन CRO, एंड गेट, आर गेट एंड नैंड गेट. आगे जी एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटी. यूनिट नंबर 17 की तरफ आते हैं. तो CBIS सिस्टम, नोट ऑन कंप्यूटर, हार्ड डिस्क एंड कंपैक्ट डिस्क, CD एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल. यूनिट नंबर 18 की तरफ आते हैं. तो इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल्स आप तैयार करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और नौवां. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. ये मैंने आपके साथ फिजिक्स के पेपर की गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया है. इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स और मज़ीद सब्जेक्ट्स के जो गेस्ट पेपर्स हैं वो लेके हाज़िर होंगे और आपकी स्टडी को आसान बनाने की मज़ीद कोशिश रहेगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे. मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा. अल्लाह ने गुबान, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच.